थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और आज की जर्नी में हम आपको लेकर जा रहे हैं चांगला पास और पैंगोंग लेक। तो शुरू करते हैं आज की ये जर्नी। आज ले में है, आज यहाँ से पैंगोंग 150 किलोमीटर जाना है, तो फिर हम देखते हैं रास्ते में क्या, और पहले चांगला पास आएगा जी। तो दो दिन हम एक्टिमेटाइज हो गए हैं यहाँ के, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि दो दिन रुकना, वो तो बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी वही है कि जिसके बाद कहीं भी जाएगा जा सकता है, आप कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल जी मैम। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। ओके मैम। संभव आप कुछ बताना चाहोगे कि बाइक पे ट्रैवल करते हुए, दो दिन हमने यहाँ पे ट्रैवल किया ले में, और बाइक अब हम पैंगोंग लेके जा रहे हैं, तो क्या क्या जरूरत बातें जो है वो याद रखें? बाइक सबसे पहले जो तुम्हें कंफर्टेबल हो वही बाइक लेना, अपने हाइट के हिसाब से। ज्यादातर यहाँ पर रॉयल एनफील्ड चलती है, हिमालय चलती है। बाइक का रेंट होगा रॉयल एनफील्ड क्लासिक का 1500 रुपये, हिमालय का 2500 रुपये था, तुम्हें डिस्काउंट होकर 2000 तक मिल सकता है। बाकी टैंक का अपना देखना पड़ता है, पेट्रोल का तुम अपना दे सकते हो। पैंगोंग देखता है जो हाइट पे जा रहे हैं, एक्साइटेड ये। I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. उसमें राजा सिंह इनामियाल सर्दियों में बैठा करते थे और गर्मियों में ले पैलेस में, जो हमने आपको एपिसोड नंबर 1 में दिखाया। शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की फिल्म दिल से का जो सॉन्ग है सतरंगी रे, वो इसी जगह पर शूट हुआ है। अभी हम खड़े हैं पुलिस पोस्ट खारू में, और यहाँ पर आप अगर लेह से पैंगोंग या नुब्रा की ओर जाते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट आपको शो करना होता है, और ये परमिशन लेटर जो है जहाँ आप रुके हैं होटल में या फिर आप जिस एजेंट के थ्रू यहाँ पर आ रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। It's been going for a long time, but it's hard to cut the ties when there's no turning back, no. And we're saying goodbye, trying to make it work, and I gave it all. I've been fighting, fighting, fighting for love, but I got nothing. तो अभी हम खड़े हैं 17,688 फीट पर, जिसे कहते हैं वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और जिसका नाम है चांगला पास। जी हाँ, जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े लाना ना भूलें, और ऑक्सीजन लेवल की यहाँ पर कमी होती है तो यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, और ये लेह से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। I didn't want no other, but this man has got a hand. It's been going for a long time, we've been living in a lie, when there's no turning back, no. And we're saying goodbye, try to make it work, and I gave it all. I've been fighting, fighting, fighting. Things will be alright if we just start.
निकले थे ब्रेकफास्ट करके और अब लगभग लंच का समय हो गया है और पैंगोंग अभी भी 2-3 घंटे की दूरी पर है, तो हमने सोचा है कि क्यों ना एक छोटा सा लंच ब्रेक लिया जाए। तो यहाँ पर हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किया, मैगी ऑर्डर किया, क्वीन करके एक रेस्टोरेंट है उसमें हम बैठे हैं, बढ़िया है यहाँ, एंजॉय करते हैं। Every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. दोस्तों दिखने लग गई है लेक। Finally हम पहुंच गए हैं पैंगोंग। पहुंच गए हैं पैंगोंग और आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल। लिटरली अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, why you're यही है वो पॉइंट जहाँ पर थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी। और अगर आप पैंगोंग लेक आ रहे हैं तो पैंगोंग लेक जो है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, और आप अगर सिर्फ आकर और यहाँ से वापस जा रहे हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो आपको पहले ही पॉइंट पे कहेंगे कि आप यहीं पर आकर थ्री इडियट्स की जो शूटिंग है वो वहीं पर ही हुई थी। तो आप उनकी बातों को बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि जहाँ थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई है वो काफ़ी आगे है अभी, यानी कि जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर। और इसकी निशानी मैं आपको बता दूँगी कि अगर आप दूर अगर आप देख सकते हैं तो एक रेड कलर का हट है वो बना हुआ है, और यही है इसकी पहचान। और जब आप आएंगे तो उसकी बिल्कुल देख कर पहचान सकते हैं क्यों ये जो प्लेस है शूटिंग के लिए चूज़ किया गया है। थ्री इडियट मूवी के बहुत सारे प्रॉप्स यहाँ मौजूद हैं, तो आप मेमोरीज़ के लिए अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर खिंचवा सकते हैं या फिर याक की सवारी का लुत्फ भी ले सकते हैं। धीरे सनसेट होता जा रहा है और यहाँ का वेदर जो है वो काफ़ी विंडी हो गया है, तो हमने डिसाइड किया है एक रात यहाँ पर रुकने का। कैंपिंग की ऑप्शंस यहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो अगर आप भी लेक के पास आकर इत्मीनान से समय बिताना चाहते हैं तो आप भी ये ऑप्शन जो है कैंपिंग का वो चूज़ कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और कल हम निकल रहे हैं नूब्रा वैली के लिए, और आज का ये ब्यूटीफुल डे लेक के पास यहीं ख़त्म होता है। कैसी लगी आपको हमारी पैंगोंग की जर्नी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जर्नी में बहुत कुछ है बाकी। हम आपको लेकर जाने वाले हैं नूब्रा वैली और एक ऐसा विलेज जो पहले था पाकिस्तान में। इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। कीप वॉचिंग आर रितिका एंड प्रियंका फिल्म्स चैनल। थैंक यू।